इस वीडियो में हम आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो जैसे कि हमने तीन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी हैं, दैट इज़ अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो क्या एक टाइप का मैटर दूसरे टाइप के मैटर में, मतलब दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है? तो ये इजीली हम सब जानते हैं कि हो सकता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या क्या हमारे को जानना ज़रूरी है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री। ठीक है, पानी ये कैसा है? पानी जब इवेपोरेट होता है तो वो गैस बन जाता है। जब पानी जम जाता है, ठीक है, फ्रीजर में जम जाती है तो बर्फ़ बन जाता है, यानी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और वैसे नेचुरली वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, ठीक है, एंड गैस एज वाटर वेपर। वॉट हैपन्स इन साइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज? जैसे कि अगर कोई स्टेट चेंज कर रहा है मैटर अपनी, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है? वॉट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? ठीक है, तो यानी कि उस दौरान क्या होता है उस मैटर के साथ जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? और ये होता क्यों है, किस वजह से ये अपनी स्टेट चेंज कर लेता है? वी नीड आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस, इजंट इट? ठीक है, हम सबको इन सब के आंसर जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, एक एक्टिविटी है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। आप एक बीकर में आइस लीजिए एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर है उसके अंदर डाल दीजिए, सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आइस, जिससे कि इसका जो बल्ब है वो आइस के कॉन्टैक्ट में रहे, टच करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब इसका टेम्परेचर वो मेज़र करेगा, ठीक है, अगर हम उसको नीचे बर्नर्स के थ्रू उसको हीट देने की कोशिश करेंगे तो। नाउ ये देखिए, हीट दी जा रही है उसको। कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, आइस थी वो जब हमने उसको हीट दी नीचे से तो वाटर बन गई, और कन्वर्जर जब वो और उसको हीट दी गई एक लिमिट के बाद, वो वाटर वापस वेपर बन गया, यानी कि भाप बन के उड़ गया। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। ठीक है, कम फ्लेम पर आप उस बीकर में को हीट करना शुरू कीजिए। नोट द टेम्परेचर, जब आइस पिघलना शुरू होगी तो उस टेम्परेचर को मेज़र कीजिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू द वाटर, जब सारी बर्फ पानी बन जाए तब क्या टेम्परेचर था वो भी नोट कीजिए। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा इस दौरान, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिखी आप उस सबको रिकॉर्ड कीजिए। एंड नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर, अब एक ग्लास की रॉड उस बीकर में डालिए। एंड हीट वाइल स्टरिंग, उसको हिलाते हुए हीट करते रहिए। टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब तक पानी उबलना शुरू ना हो जाए तब तक उसे हीट करते रहिए। कीप अ केयरफुल आई, ध्यान रखिए, उसको देखते रहिए थर्मामीटर को, उसकी रीडिंग को, जब तक कि सारा वाटर वेपराइज्ड ना हो जाए, सारा वाटर भाप में कन्वर्ट ना हो जाए। और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए कि वो पहले लिक्विड स्टेट से कैसे डायरेक्टली, नहीं पहले वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। पहले वो क्या था, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना और लिक्विड से फिर वो गैसियस स्टेट में आ गया। तो हमने ये चीज़ देखी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर सॉलिड का, तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, यानी कि मूव करने की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब जिस गति से वो आपस में मूव कर रहे, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, उससे वो तेज़ ज़्यादा भागने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस इंक्रीज, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, हिलते हैं, ज़्यादा तेज़ गति से हिलने लग जाते हैं। तो जो एनर्जी है जो हीट ने उनको दी, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो क्या करती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो उसको बढ़ा देती है, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन, जब उनके उसके अट्रैक्शन को कम कर देती है तो वो अपनी जगह से हट जाते हैं। पहले वो अट्रैक्ट थे आपस में एक दूसरे से, तो पास रहते थे, लेकिन जब हीट दी गई तो वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करने लगे, उनके बीच का जो स्पेस था वो बढ़ने लग गया, तो वो अपने फिक्स पोजिशन से हट गए एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और वो ज़्यादा फ्रीली अब मूव करने लग गए। तो एक स्टेज ऐसी आई जब सॉलिड पिघल गया और लिक्विड बना, और मिनिमम टेम्परेचर जो कि एक सॉलिड जिस पर पिघल जाता है वो एक बिकम ए लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी लिक्विड अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर में, जिस हीट पर, जिस गर्मी में वो पिघल जाता है, उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर भी ब्लू बॉक्स में लिखा है, देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक तरीके का संकेत देता है हमको
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, पिघल गया। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यानी कि वो अब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे स्टार दिया गया, तो आप देखेंगे कि केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एसआई यूनिट जब हम टेम्परेचर को नापते हैं तो वो केल्विन में नापते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, ठीक है। इसके इक्वल होता है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपको कन्वर्जन केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 यानी 1.15 को हम इग्नोर कर देते हैं, केल्विन ही लिखते हैं आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल, क्योंकि जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 15 राउंड ऑफ टू 273 पे आ जाता है। तो टू चेंज टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल, तो जब हम केल्विन स्केल पर टेम्परेचर जब चेंज करते हैं टू द सेल्सियस, केल्विन से सेल्सियस पे जब हम चेंज करेंगे तो हमको 273 माइनस करना पड़ेगा जो भी टेम्परेचर हमें दिया गया होगा। और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन पर लेकर आना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा 273, ठीक है। ये आपको कन्वर्जन जब आके कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये फैक्ट है। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का दिया गया है 273.15 केल्विन, अगर एग्जैक्ट है तो ये बोलना है, अदरवाइज 273 से भी काम चल जाएगा। तो जो प्रोसेस है मेल्टिंग का वो है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी कि एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट पे इस टेम्परेचर पर आती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट पर जिस टेम्परेचर पर आता है तो, और ये आने की जो प्रक्रिया होती है, ये सारी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूजन। एंड व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, और जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है तो कहाँ चला जाता है, उसकी एनर्जी कहाँ चली जाती है, वो इसलिए रहता है, वो जो सारी टेम्परेचर है वो पिघलाने में लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आइस सीधे गर्म हो जाएगी, सीधे गर्म नहीं होगी, पहले उसकी एनर्जी जाएगी उसको पिघलाने में, यानी उसको लिक्विड स्टेट बनाने में। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब आपने मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया था तो जो टेम्परेचर है जो सिस्टम का डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो टेम्परेचर का जो सिस्टम है वो वापस चेंज नहीं हुआ, मेल्टिंग पॉइंट आ गया उसका टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, ठीक है। जब तक कि उसने पूरी आइस को नहीं मेल्ट कर दिया तब तक उसका सिस्टम वैसा ही रहा। और जब दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, और ऐसा होता तब तक है जब तक हम बीकर को कितना भी गर्म कर लें, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, हम हीट को सप्लाई करे जा रहे हैं, और ये जो हीट है गेट्स यूज्ड अप। वो हीट कहाँ यूज़ हो रही है, वो उसको आइस के पानी को गर्म नहीं करेगी, पहले गर्म नहीं करेगी, पहले उसकी एनर्जी यूज़ होगी उसे पिघलाने में, उसकी स्टेट चेंज करने में। उसके बाद जब हम उसको हीट को वापस ट्रांसफ़र करते रहते हैं तो उसको तब उसके बाद गर्म करने में वो उसकी एनर्जी जाएगी। तो स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पहले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करती है पार्टिकल्स के बीच में, और जब ये हीट एनर्जी आइस पूरी अब्जॉर्ब कर लेगी, उसने कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, मतलब कि आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यानी कि आइस गर्म नहीं हुई, तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट। तो हम ऐसा समझते हैं कि जो जितनी भी गर्मी हमने उसको दी है आइस को, वो बीकर के अंदर जितना भी चीज़ है, जो भी चीज़ रखी हुई है, उसने स्टेट चेंज कर ली बेशक, उसके अंदर छुप गई है जाकर, क्योंकि हमें टच करने पे तो गर्म नहीं फील हो रहा, हमें तो बस स्टेट चेंज हुई भी दिख रही है, इसका मतलब वो छुपी हुई है, कुछ तो उसने किया है। एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। तो ये छुपी हुई हीट होती है, इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये जो वर्ड लेटेंट है, इसका मतलब हिडन होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इन टू द लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये एक तरीके की डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आप कोई भी, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए एक्टिविटी बेस्ड, तो आप क्या करेंगे, उसको आंसर कर सकते हैं ईजिली इस डेफिनेशन को देते हुए, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाए। इसमें यह है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये कंडीशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम उसको बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसलिए ये वर्ड बार बार बीच में ला रहे हैं क्योंकि प्रेशर की वजह से भी कुछ चीज़ें स्टेट चेंज कर लेती हैं। इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, 0 डिग्री सेल्सियस पे
हैव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है, तो अगर सेम टेम्परेचर पे ही आइस के पार्टिकल्स के बीच में जितनी एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी उसी टेम्परेचर पर वाटर में होती है, क्योंकि उस पर वो पिघले हुए हैं. ठीक है, पिघले हुए मतलब कि उनकी एनर्जी ज़्यादा है, तभी मॉलिक्यूल्स आपस में कम अट्रैक्ट हैं. When we supply heat energy to water, जब हम पानी को हीट एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल्स बहुत तेज़ भागने लग जाते हैं, मतलब गर्मी की वजह से और ज़्यादा तेज़ भागने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं. एट ए सर्टन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट आता है कि अ पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. तो जिस अट्रैक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपस में बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी स्टेट जैसी वो थी वैसी थी, तो एक हीट को बार बार प्रोवाइड करने पे एक स्टेट, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो उनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो टूट जाता है. ठीक, तो ये जो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, फिर वो अब जो पहले जो सॉलिड के बीच में जो के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था वो टूटा, फिर वो लिक्विड बना, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में और अट्रैक्शन और कंटिन्यू टूटता रहा, फिर वो गैसेस स्टेट में बदलने लग गया, तो वो वेपर बनता गया. तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग एक बहुत ज़्यादा बल्की फिनोमिना है, क्योंकि पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड का एक बल्क लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गेन करते हैं एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. ठीक है, तो वो एनर्जी लेते हैं एक साथ इकट्ठे वो वेपर स्टेट में आने के लिए. पानी के लिए जो टेम्परेचर है 373 केल्विन होता है बॉइलिंग के लिए. ठीक है, तो 100 सेल्सियस इज इक्वल टू 273, पहले से हमें पता था जीरो वाला, उसमें 100 और प्लस करना है आपको, तो 373 केल्विन आ जाएगा. तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट कितनी चाहिए होगी, जो उसमें छुप गई थी, ठीक है, जो दिख नहीं रही थी हमें, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही थी एक लिमिट के बाद, बस वो उसकी स्टेट चेंज कर रही थी. तो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो क्या वो इसी तरीके से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी थी, एक लिक्विड, एक सॉलिड, सॉलिड को एक लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए जो हीट चाहिए थी उसको हम फ्यूजन बोल रहे थे. तो जो फ्यूजन की जो लेटेंट हीट थी, क्या उसी तरीके से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं. पार्टिकल्स जो स्टीम में होते हैं, जैसे कि वाटर वेपर है, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा एनर्जी होती है पानी में, जो कि उसी टेम्परेचर पर हो, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट छुपी है. दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि पानी से भाप बनने के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ली है, एक्स्ट्रा गर्मी ली है लेटेंट हीट के रूप में वेपराइजेशन करने के लिए. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट गर्म हुआ तो लिक्विड स्टेट, और गर्म हुआ तो गैस स्टेट. ऐसे ही गैस अगर थोड़ी ठंडी हुई तो लिक्विड बन गई, और ठंडी की तो सॉलिड बन गई. ठीक है, तो ये इस तरीके का फिनोमिना है जो बहुत ईजी है समझने में. इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर हम उसके टेम्परेचर में चेंज ले आएँ. तो हमने अब तक ये पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस है अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो हमने हीट के एप्लीकेशन की वजह से ये पढ़ा कि ऐसा हो सकता है, बट देर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. पर ऐसा भी कभी होता है कि सॉलिड से सीधे गैस बन गई या गैस से सीधे सॉलिड बन गया, बीच में लिक्विड का नंबर ही नहीं आया, ऐसा भी होता है. ठीक है, तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. कुछ एक कपूर लेते हैं, कपूर होता है ना जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, कैम्फर, और या उसकी जगह अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं. उसको क्रश कर दीजिए और एक चाइना डिश में डाल दीजिए. पुट एन इन्वर्टेड फनल. ठीक है, अब जो ये जो कीप होती है ना जो तेल डालने के लिए यूज़ की जाती है, इसको उल्टा कर दीजिए चाइना डिश के ऊपर. पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. ठीक है, जो इसके मुंह बना हुआ है उस पर कॉटन लगा दीजिए. ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको हीट करिए बहुत धीरे धीरे, ऑब्जर्व कीजिए आपको क्या नज़र आएगा. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस. कैम्फर था, सीधे गैस बनेगा वो, लिक्विड नहीं बनेगा. सॉलिड से गैस बनेगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो जो ये प्रोसेस हुआ, सीधे सॉलिड से गैसियस स्टेट में आया, उसे सब्लिमेशन बोलते हैं. एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन. और इसका अगर हम उल्टा बोलेंगे,
गैस से सीधे सॉलिड में आया, लिक्विड बने बिना, उसको हम डीपोजिशन बोलेंगे। तो सब्लिमेशन का उल्टा क्या हुआ, यानी ऑपोजिट क्या हुआ, डीपोजिशन, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।